माय डियर ब्रदर सिस्टर, हमें परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह चाहिए। लव योर पीपल, अपने लोगों से प्यार करो, उन्हें माफ करो। द नेचर ऑफ जीसस, इब्रानियों 12:1 पद में लिखा, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12:1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। यूसुफ परमेश्वर में बढ़ा क्योंकि उसने गवाहों के सामने एक अच्छी गवाही पेश की। बुराई करने का मौका उससे मिला पर उसने उसका इनकार कर दिया। Now think about this, अगर पोती पर की पत्नी, she was so beautiful, Egyptian lady, कितनी खूबसूरत होगी वो, अकेले में वो उससे बात कर रही है, पर यूसुफ का मन एक बार भी नहीं हुआ कि वो परमेश्वर को धोखा दे। He bring God. आप इसे पढ़ें तो ऐसा समझ में आता है। Genesis chapter 39 verse 7-9, उत्पत्ति 39:7-9, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है वो मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? नेचर ऑफ मैन जो ईश्वर से परिपूर्ण होता है वो पाप का इनकार करता है, पाप की इच्छाओं का इनकार करता है, पाप की लालसाओं का इनकार करता है। इवन दो उसके बाद भी उस पर रेप केस लगाया गया, उन्होंने उसे जेल में डाल दिया, उसने सब कुछ सहा, वहां से भागा नहीं, वो जानता था वो निर्दोष है, अब परमेश्वर मेरे साथ। Then what happened? उसने जेल में लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया, फिरौन के सपने का अर्थ बताने के लिए उसे जेल से निकाला गया, एंड ही ट्रांसलेट द ड्रीम्स ऑफ फिरौन। उसके बाद ही वो मिस्र का प्रधानमंत्री भी हो गया। हालेलुया। प्रॉब्लम्स एंड टेम्पटेशंस मे कम, प्रॉब्लम्स आएंगी, तकलीफें आएंगी, हम इसे स्किप नहीं कर सकते, बट इन द मिस्ट ऑफ टेम्पटेशन एंड प्रॉब्लम यू विल बी रिसीव ग्लोरी फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी, वहीं से महिमा आएगी। क्या आप इस प्रकार से जीवन जीना चाहेंगे? पाप का इनकार करना, पाप की इच्छा का इनकार करना।